अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साल 2020 के बीए ऑनर्स आर्ट्स के एस्पिरेंट्स के लिए ये बहुत ही आवश्यक वीडियो है। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिस्ट लेकर के आया है आप सभी के लिए, क्योंकि बार बार आप हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या क्या लेंगे, क्या क्या हमारे पास ऑप्शन होंगे। अभी तक ट्वेल्थ क्लास तक जितनी भी पढ़ाई करी होगी, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्होंने इन सब्जेक्ट्स का नाम भी नहीं सुना होगा। मैंने भी नहीं सुना था बहुत सब्जेक्ट्स का नाम, फ्रेंकली स्पीकिंग। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब आपको ग्रेजुएट होना है, ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है, और कौन सा सब्जेक्ट आपका पसंदीदा है, किस सब्जेक्ट को आप ज्यादा पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, उसी को ऑनर्स के रूप में रखिएगा, और बाकी दो सब्जेक्ट आप सब्सिडरी के रूप में भी रखिएगा, जो भी आपको उससे कम थोड़ा पसंद आए। ये शुरू करते हैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए। हमारे पास लिस्ट है कॉम्बिनेशन की, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, मेन फैकल्टी में बीए आर्ट्स के अंदर में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको मिल सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। प्रेफरेंस एंट्री में इसको रखना है, आपने ऑर्डर में रखना है, जिसको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं उसको पहले रखिएगा, दूसरे पे उससे कम वाले को उससे कम पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे, इस तरीके से रखिएगा आप प्रेफरेंस एंट्री में जो चीजें एंट्री करनी होगी। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन देखिए, AIHC एंड आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड लिंग्विस्टिक्स, ये तीन ऑनर्स जो पहले नंबर पे आपके सूची में, वो सारे के सारे ऑनर सब्जेक्ट होंगे। उसके बाद दूसरे और तीसरे नंबर पे जो दिख रहा है वो सब्सिडरी होंगे, यानी कि दो साल तक इन दोनों सब्जेक्ट को पढ़ना होगा, और जो ऑनर्स होगा वो तीनों साल आप पढ़ेंगे 6 के 6 सेमेस्टर में, ठीक है ना। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन है AIHC एंड आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स या लिंग्विस्टिक्स, और इसके साथ जो सब्जेक्ट मिलेंगे आपको, हिंदी मिलेंगे, इसके बाद फॉरेन लैंग्वेज मिलेंगे, फिलोसफी मिलेंगे, इसके अलावा जो है आपको मिलेंगे मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। इसके बाद तीसरा जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, इसमें ज्योग्राफी मिल सकता है, इंग्लिश मिल सकता है, क्लासिकल लैंग्वेज मिल सकता है, अरब हिस्ट्री एंड कल्चर मिल सकता है। इसके बाद जो दूसरा कॉम्बिनेशन है, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, लिंग्विस्टिक्स, और इनके साथ जो सब्जेक्ट्स मिल सकते हैं वो आपको हिंदी, इंग्लिश, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज या फिर फॉरेन लैंग्वेज, और तीसरा कॉम्बिनेशन के रूप में आपको मिल सकता है फिलोसफी, क्लासिकल लैंग्वेज, अरब हिस्ट्री एंड कल्चर एंड ज्योग्राफी। और तीसरा नंबर है इंग्लिश ऑनर्स के साथ क्या क्या मिल सकता है आपको, हिंदी, क्लासिकल लैंग्वेज, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, अरब हिस्ट्री एंड कल्चर। तीसरे सब्जेक्ट के रूप में AIHC, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, लिंग्विस्टिक्स, फिलोसफी, ज्योग्राफी। चौथा कॉम्बिनेशन फिलोसफी ऑनर्स के साथ आपको क्या मिल सकता है, हिंदी, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश, दिस इज क्लासिकल लैंग्वेज, अरब हिस्ट्री एंड कल्चर। इसके बाद पांचवा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है फिलोसफी, AIHC, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स के साथ में आपको हिंदी मिल सकता है दूसरा सब्जेक्ट के रूप में, तीसरे सब्जेक्ट के रूप में मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज भी मिल सकते हैं। सिक्स्थ कॉम्बिनेशन जो है मैथमेटिक्स है, उसके साथ आपको मिल सकता है स्टैटिस्टिक्स या फिलोसफी, और तीसरे सब्जेक्ट के रूप में मिल सकता है आपको हिंदी, ज्योग्राफी, क्लासिकल लैंग्वेज, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, अरब हिस्ट्री एंड कल्चर। इसके बाद वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं कुछ, इंग्लिश या फॉरेन लैंग्वेज के ऑनर्स के साथ में आपको मिल सकता है क्लासिकल लैंग्वेज, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, हिंदी, लिंग्विस्टिक्स, AIHC, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड ज्योग्राफी। तीसरे सब्जेक्ट के रूप में मिलेगा आपको कम्युनिकेटिव इंग्लिश, सेल्समैनशिप, एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिक रिलेशन, सेक्रेटेरियल टेक्निक, स्टेनोग्राफी एंड टाइपिंग। आठवां सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन AIHC, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, लिंग्विस्टिक्स के साथ में आपको दूसरा सब्जेक्ट मिल सकता है हिंदी, इंग्लिश, क्लासिकल लैंग्वेज या फिर ज्योग्राफी। तीसरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो होगा इसके साथ वो मिल सकता है आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी, टूरिज्म एंड ट्रेबल मैनेजमेंट। नाइन्थ कॉम्बिनेशन इज मैथमेटिक्स, इंग्लिश या हिंदी के साथ मिल सकता है आपको स्टैटिस्टिक्स, फिलोसफी, ज्योग्राफी या फिर क्लासिकल लैंग्वेज, और तीसरे सब्जेक्ट के रूप में अकाउंटेंसी एंड ऑडिट, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस मिल सकता है आपको। स्पेशल कॉम्बिनेशन है EMS, यानी कि मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स। तीसरे सब्जेक्ट के रूप में साइकोलॉजी या ज्योग्राफी भी रख सकते हैं आप, लेकिन ये स्पेशल कॉम्बिनेशन है, पिछले साल तक इसमें सिर्फ 10 सीटें थी EMS कॉम्बिनेशन में, और आपने क्लास 10th तक मैथमेटिक्स पढ़ी होनी चाहिए इसके लिए, क्लास 10th नहीं 12th तक, सॉरी टू से। और जिस विद्यार्थी के पास मैथ्स होगा वही स्टैट्स पढ़ सकता है, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। ये
क्राइटेरिया है इसके लिए। अब हम चलते हैं अगले में, 11वें नंबर पे हिंदी ऑनर्स के साथ आपको मिल सकता है इंग्लिश, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। 12वां कॉम्बिनेशन हिंदी ऑनर्स के साथ मिल सकता है क्लासिकल लैंग्वेज, अरब हिस्ट्री एंड कल्चर। तीसरा सब्जेक्ट के रूप में मिलेगा आपको साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। 13वां नंबर है हिंदी ऑनर्स के साथ AIHC, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, लिंग्विस्टिक्स। और तीसरा सब्जेक्ट के रूप में आपको मिल सकता है साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद 14वां जो कॉम्बिनेशन है इंग्लिश ऑनर्स के साथ आपको मिल सकता है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज। तीसरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इज सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। 15वां कॉम्बिनेशन जो है वो इंग्लिश ऑनर्स के साथ में आपको मिल सकता है फिलोसफी। तीसरा सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड जियोग्राफी। देखिए ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो है ये सोशल साइंसेस के हैं, लेकिन आपको यहाँ पर सब्सिडरी में मिल सकते हैं साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। ये पांचों सब्जेक्ट जो है ये सोशल साइंस के हैं। 16वें नंबर पर इंग्लिश ऑनर्स के साथ आपको मिल सकता है क्लासिकल लैंग्वेज, अरब हिस्ट्री एंड कल्चर। इकोनॉमिक्स तीसरे सब्जेक्ट के रूप में सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, मैथ्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स और ज्योग्राफी। 17वें नंबर पर इंग्लिश ऑनर्स के साथ में आपको मिल सकता है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, लिंग्विस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। दिस इज द थर्ड कॉम्बिनेशन। 18वें नंबर पे साइकोलॉजी ऑनर्स के साथ फिलोसफी ऑनर्स के साथ आपको मिल सकता है AIHC, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, लिंग्विस्टिक्स। तीसरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के रूप में आपको मिल सकता है इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी एंड जियोग्राफी। 19 नंबर पर फिलोसफी ऑनर्स के साथ में आपको दूसरा सब्जेक्ट हिंदी मिल सकता है और तीसरे सब्जेक्ट ये सारे सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स एंड ज्योग्राफी इज देयर। AIHC हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स या लिंग्विस्टिक्स ऑनर्स के साथ में आपको मिल सकता है क्लासिकल लैंग्वेज, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, अरब हिस्ट्री एंड कल्चर। तीसरे सब्जेक्ट के रूप में मिल सकता है आपको इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। और 21वें नंबर का जो कॉम्बिनेशन है इसमें मिल सकता है आपको मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज के ऑनर्स के साथ हिंदी, इंग्लिश, फिलोसफी दूसरे सब्जेक्ट के रूप में, और तीसरा सब्जेक्ट जो हो सकता है वो हो सकता है पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। ये थी पूरी लिस्ट। कुछ बातें और भी बताना है आपको। MIL का मतलब है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, जिसके अंदर आते हैं उर्दू, मराठी, तेलुगु, तमिल, नेपाली, कन्नड़ अभी नहीं है, बंगाली इज देयर। फॉरेन लैंग्वेज में आते हैं जर्मन, फ्रेंच, चाइनीज, रशियन, अब जापानीज भी आ गया है। ऑलराइट, क्लासिकल लैंग्वेज में संस्कृत, पाली, पर्शियन, अरेबिक इज देयर। कंपल्सरी लैंग्वेजेस में आपको मिलेंगे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पर्शियन, संस्कृत, पाली, तेलुगु, तमिल, नेपालीस, बंगाली, फ्रेंच, जर्मन, रशियन इज देयर, चाइनीज इज देयर, अरेबिक एंड मराठी। ऑलराइट, तो इतने सारे लैंग्वेजेस हैं, इतने सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हैं जो BA आर्ट्स ऑनर्स के स्टूडेंट्स को मिलते हैं। जितना भी कॉम्बिनेशन हमने बताया है उसको अभी से आप लिख कर रख लीजिए कि आपको क्या चूज करना है। वीडियो को पॉज करके आराम से देखिए, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, और अभी से चूज करके रख लीजिए कि आपको क्या लेना है, क्या पसंद करेंगे, ताकि आप प्रेफरेंस एंट्री में उसे भर सके और उसी के हिसाब से आपको ऑनर्स भी मिल जाए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलतियां कर देते हैं कि उनको पता नहीं होता है कि सब्जेक्ट में कैसे करें, और फिर उनको गलत कॉम्बिनेशन जब मिल जाता है तो वो कई सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि ईयर ड्रॉप करते हैं, फिर अगले साल एडमिशन के लिए फिर से फॉर्म भरते हैं और दूसरी बार एडमिशन लेते हैं। मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को देखा है, कम अक्रॉस मेनी, ठीक है ना। तो ऐसा गलती ना करें, अभी से सोच लें कि आपको क्या पसंद है, क्या लेना है, क्योंकि अभी समय है कम से कम आपके पास 7 से 8 दिन, आप उसमें आराम से डिसाइड कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं, हमसे भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं अपने सोशल मीडिया के हर एक अकाउंट दे दूंगा, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे या फिर फेसबुक मैसेंजर पे। बहुत बहुत धन्यवाद, काइंडली शेयर द वीडियो टू मैक्सिमम ऑफ योर एक्सटेंट। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले मेरे भाइयों बहनों। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।